दोस्तों, मैं आपको आज BRS 3 सिंपल स्टेप्स में कैसे सॉल्व करना चाहिए वो बताने वाला हूँ। बट बिफोर मूविंग अहेड, थोड़ा सा BRS के बारे में बेसिक जान लेते हैं। अब सामने देख रहे हैं, सी बी मीन्स कैश बुक, पी बी मीन्स पासबुक। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक मतलब पैसे मिलना, दैट इज रिसीट्स। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक मतलब पेमेंट्स। बट पासबुक में ये उल्टा होता है, पासबुक का डेबिट साइड इज पेमेंट एंड पासबुक का क्रेडिट साइड इज रिसीट। यानी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैंक हैज़ क्रेडिटेड द अमाउंट, मीन्स बैंक हैज़ क्रेडिटेड द अमाउंट मीन्स हमें पैसे मिले हैं, या बैंक हैज़ डेबिटेड द अमाउंट मीन्स बैंक ने पेमेंट किया। तो कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट विल बी रिसीट्स, एंड कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट विल बी पेमेंट्स, राइट। नेक्स्ट थिंग, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज ऑल्सो नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व ऑन सम। कैश बुक बैलेंस ऑफ मिस्टर ए बी सी ऑन 31st March 2017 शो डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1 lakh। फाइंड पासबुक बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग द बिलो ट्रांजैक्शंस। अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को पढ़े तो यहाँ पे उन्होंने हमें बोला हुआ है कि 31st मार्च को कैशबुक का बैलेंस है ₹1 lakh और हमें पासबुक का बैलेंस ढूंढना है। आप BRS का कोई भी सम लीजिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ फाइनल करनी होती है, वो होता है आपका रूट। रूट इज़ वॉट, रूट का फॉर्मूला है गिवन टू अननोन। यहाँ पे उन्होंने कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और पासबुक का बैलेंस इज अननोन, मीन्स कैश बुक बैलेंस इज गिवन एंड पासबुक बैलेंस इज अननोन। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला बिठाऊँ तो मेरा रूट क्या बनता है, कैश बुक टू पासबुक। इस रूट को कैसे यूज़ करना है मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहला स्टेप हमें हमेशा याद करना है, वो है कैश बुक टू पासबुक, ये हमारा रूट है, इट इज़ गिवन टू अननोन। ठीक है, देख, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, हुआ क्या है। हमें चेक्स मिले हैं ₹10,000 के, वो हमने बैंक में डिपॉजिट भी किए हुए, बट बैंक ने अब तक हमारे अकाउंट में वो पैसे जमा नहीं कराए हुए। ठीक है दोस्तों, आप लोग जब भी ट्रांजैक्शंस को देखें तो उसे पहले दो चीज़ें कैटेगराइज करें, क्या वो रिसीट है या वो पेमेंट है। अगर आप इस ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि ये रिसीट है या पेमेंट है, ऑफकोर्स ये रिसीट है। रिसीट होने से क्या होएगा, कोई भी बैलेंस है तो कैशबुक या पासबुक बैलेंस बढ़ेगा, और जब पेमेंट रहेगा तो बैलेंस घटेगा। अब देखते हैं, फर्स्ट वन, चेक डिपॉजिटेड, मतलब चेक्स मुझे मिल गए तो मैंने अपने कैशबुक में एंट्री कर लिया होगा। अच्छा, रिसीट होने की वजह से मेरा बैलेंस बढ़ गया, बट पासबुक में इसका एंट्री हुआ है क्या, नहीं, पासबुक में अब तक कोई एंट्री नहीं हुई। रूट क्या है मेरा, कैशबुक टू पासबुक, यानी अब मैं कहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे जाने वाला हूँ। मैं यहाँ से यहाँ पे जाने वाला हूँ, राइट। मतलब जब मैं ऊपर से नीचे आऊँगा तो मैं फिगर को क्या करूँगा, लेस। ठीक है, तो कैश बुक बैलेंस रिसीट की वजह से बढ़ गया है, बट पासबुक में कोई एंट्री नहीं है। मेरा रूट है कैश बुक टू पासबुक, मैं आऊँगा नीचे तो मैं इस फिगर को लेस करूँगा। कितना फिगर है वो, चेक्स अमाउंट 10,000। तो देखिए, मैंने आंसर में इस फिगर को लेस के नीचे लिख दिया है, राइट। सेकेंड देखते, चेक्स इशूड ऑफ ₹12,000 टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब क्या हुआ है, हमने क्रेडिटर्स को चेक इशू कराया है बट अब तक उन्होंने अपने बैंक में प्रेजेंट नहीं करा है। जब मैंने चेक्स इशू किए तो मैंने मेरे कैशबुक में एंट्री कर ली होंगी, राइट। चेक्स इशूड यानी पेमेंट, पेमेंट से बैलेंस घटेगा, तो मैंने मेरे कैशबुक में बैलेंस घटा दिया, बट एज पर जब तक उन्होंने उनके पासबुक में नहीं दिखाया तो मेरे पासबुक में अब तक कोई एंट्री नहीं है। मेरा रूट है कैशबुक टू पासबुक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा ऊपर,
जब मैं ऊपर जाऊंगा मैं उस फिगर को क्या करूंगा, ऐड। इसलिए मैंने इस फिगर को चेक्स इशू बटन प्रेजेंटेड को ऐड किया है। थर्ड देख, डिविडेंड्स डायरेक्टली रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या हुआ है, डिविडेंड्स आपको रिसीव हुए हैं बट कहाँ पे, आपके बैंक के अकाउंट में, और कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक। पहली चीज समझ लीजिए कि ये रिसीट है या पेमेंट है, तो ये रिसीट है। अब डिविडेंड, कैशबुक में कोई एंट्री नहीं है बट पासबुक में एंट्री किया है और रिसीट के वजह से बैलेंस मैंने बढ़ा दिया। मेरा रूट क्या है, कैशबुक टू पासबुक। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जाऊँगा ऊपर, यानी मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, ऐड। जब भी मैं ऊपर जाऊँगा मैं ऐड करूँगा, मैं नीचे आऊँगा मैं लेस करूँगा। इसलिए मैंने ये डिविडेंड्स की फिगर को भी ऐड में डाल दिया, राइट। फोर्थ देखते हैं, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 100 इन पासबुक बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 10 इन कैशबुक। यानी आपको इंटरेस्ट मिला है 100 रुपये का, जो आपके पासबुक में बिल्कुल सही गया है बट आपके कैशबुक में रिकॉर्ड करते वक्त सिर्फ 10 रुपये पर रिकॉर्ड हुआ। इफ़ यू सी द इंटरेस्ट का फिगर, तो कैशबुक में आपका आपने एंट्री किया है, ये रिसीट है या पेमेंट है, तो गाइस आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, मतलब बैलेंस बढ़ेगा। तो कैशबुक आपने कितने से बढ़ाया, 10 रुपये से, बट पासबुक कितने से बढ़ा है, 100 रुपये से, राइट। तो आपको ये 10 को कहाँ तक लेके जाना है, 100 तक, मतलब आपको कितने बढ़ाने हैं और ऐड करना है, पर कितना ऐड करना है उनका डिफरेंस, दैट इज 90। इसलिए मैं 90 को और ऐड किया। लास्ट वन, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड ₹2000 एज रेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि हर 25 तारीख को आपको ₹2000 का रेंट पे करना है, राइट। तो ये रिसीट है या पेमेंट है, तो गाइस ये पेमेंट है। आंसर पे आते हैं, कैश बुक में मैंने कोई एंट्री नहीं किया है बट पासबुक में एक बैंक ऑटोमेटिकली एंट्री पास करेगा, पेमेंट होने की वजह से मेरा बैलेंस होने वाला है कम। मेरा रूट क्या है, मेरा रूट है कैशबुक टू पासबुक। जब मैं नीचे आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, लेस, यानी मैंने इस फिगर को क्या कर दिया, लेस। अगर आपने देखा होगा कि अगर आपका रूट सही है तो आपकी फिगर्स ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपने यहीं पे रूट पासबुक टू कैशबुक लिया होता तो आपके सारे फिगर्स उल्टे आए, राइट। मैंने शुरुआत किया पहले गिवन फिगर से, उसमें ऐड लेस करके मैं आ चुका हूँ मेरे पासबुक पे बैलेंस पे। आई सपोज आपको ये समझ में आया। इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि ये कब काम आएगा, जब आपको फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैशबुक या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक दिया हुआ है। तो अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैशबुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक दिया हुआ है तो हमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है, हमें रूट को गिवन टू अननोन न लेते हुए अननोन टू गिवन लेना है और सम सॉल्व करना है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।